गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप हमारे थर्ड लेक्चर में हो। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। मैंने लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया था। मैंने बोला था कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग इसे आइसोमर्स कहेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया था इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला समान है, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये दोनों आइसोमर्स कहलाएगा। और इस फेनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म। Now, classification of isomers. यदि isomers के types की बात किया जाए, classification की बात किया जाए, तो basically ये दो तरह के होते हैं। There are two types of isomers, one is structural or second will be stereoisomerism. Last class में मैंने discuss किया था what is the basic difference between structural and stereoisomerism. Today we'll discuss structural isomers. Structural isomers structural isomers. It is also called linkage isomerism, isomers. इसे आप linkage isomers भी कहेंगे या isomerism। आप इसे रेडियो आइसोमेरिज्म या रेडियो आइसोमर्स कहेंगे। आप इसे कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहेंगे
आइसोमेरिज्म भी कहेंगे टर्म क्लियर होनी चाहिए जो रिलेशन होगा वो आइसोमर्स कहलाएगा जो रिलेशन होगा वो आइसोमेरिज्म कहलाएगा और जिनके बीच रिलेशन होगा वो आइसोमर्स कहलाएगा अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स इट शुड बी क्लियर रिलेशन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिंकेज आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म रेजियो आइसोमेरिज्म कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म आप इसे स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑल्सो कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स रेडियो आइसोमर्स कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स स्केलेटन आइसोमर्स नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या टू और मोर देन टू कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स टू और मोर देन टू हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइसोमर्स Having same molecular formula but different structural formula or structures are called structural isomers. This is normal butene 1, 2, 3, 4. This is isobutane. One, two, three, two methyl propane. Both having same molecular formula, same general formula, but different structures. This is normal pentane 2-methyl butane या isobutane and this is neopentane this is isopentane
What is the basic difference among three organic compounds? These three organic compounds all having molecular formula C5H12, but they have different structure, so they are structural isomers, and phenomenon is called structural isomerism. Question ye hai ki is structural isomerism ke जितने भी टाइप्स होगा सब में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, सब में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्वेश्चन यह है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, फंक्शनल ग्रुप होंगे, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, इन्हीं कार्बन या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को आप चेंज कर सकते हैं। ये क्लियर है कि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, इसमें कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, अब इन्हीं को मिलाकर आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है। कार्बन का चेन होगा, आप और ये फंक्शनल ग्रुप होगा। आप कार्बन के चेन को चेंज कर सकते हैं, कार्बन जो चेन है लिंकेज है आप उसको चेंज कर सकते हो, आप लेंथ छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इन्हीं जो ग्रुप्स हैं या कार्बन चेन का जो लेंथ है, कार्बन चेन का लेंथ, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, इनको चेंज करने से जो स्ट्रक्चर चेंज होगा डेफिनेटली वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। आप कार्बन चेन के लेंथ चेंज करते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म होगा, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन चेंज करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, आप फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देते हैं, उनके फॉर्म को चेंज कर देते हैं वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म, फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट मेटामेरिज्म, एंड नेक्स्ट विल बी टॉटोमेरिज्म। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच विल डिस्कस। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड पोजिशन चेन आइसोमेरिज्म, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन विल डिफरेंट, पोजिशन आइसोमेरिज्म, पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपुल बॉन्ड विल डिफरेंट, विल सी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप विल चेंज। रिंग चेन आइसोमर्स इन विच वन आइसोमर्स हैज ओपन स्ट्रक्चर एंड अदर हैज रिंग चेन स्ट्रक्चर, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। Now we'll discuss chain isomerism. पहले मैं chain और position को discuss करने के बाद इस पे आधारित questions करेंगे, और इस topic में आप जितने ज्यादा questions करोगे concept उतना clear होगा। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म इट इज ऑल्सो ए रिलेशन बिटवीन टू आइसोमर्स। Isomers having same general formula दो isomers, दो से ज्यादा isomers, डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स विच हैज सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मॉलिकुलर फॉर्मूला विल सेम, जनरल फॉर्मूला विल सेम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट विल सेम, बट डिफरेंट। तुम क्लियर क्या डिफरेंट हो?
आईओपीएसी में उन दोनों आइसोमर्स का नाम आईओपीएसी डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? लेंथ ऑफ कार्बन चेन, बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू आईओपीएसी। अकॉर्डिंग इन चेन आइसोमेरिज्म, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जनरल फॉर्मूला सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बट डिफरेंट आईओपीएसी नेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू आईओपीएसी राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की बात करूं example C4H10 butane, this is normal butane, parent chain has 4 carbon. Isobutane, parent chain has 3 isomers, 3 carbons. So first and second are chain isomers. C5H12, pentane. One, two, three, four, five. Parent chain has 5 carbon atoms. Parent chain has 4 carbon atoms. And parent chain has 3 carbon atoms. First and second, this is your first, second, third. First and second are chain isomers. First and third are also chain isomers. Second and third are also chain isomers. Because all having different length of parent chain according to our IUPAC rule. Next example,
C5, C4 H9OH. This is the alcohol. OH. First, second, third and this is four. And this is four. Now you consider first normal butyl alcohol, this is secondary butyl alcohol, this is isobutyl alcohol, and this is tertiary butyl alcohol. According to IOPSC, this is C4. This is also C4. 1, 2, 3. It has 3 carbon atoms. This is also three carbon atoms. First and second are not chain isomers because both having same carbon atoms in chain. Third and fourth are also not chain isomers because having same number of carbon atoms in chain. But first, third or fourth का chain isomers, second भी third और fourth का chain isomers, first and third are chain isomers, first and fourth are chain isomers. Second and third are chain isomers. Second and fourth are chain isomers. Chain isomers में ये clear होनी चाहिए कि carbon का जो लेंथ होना चाहिए दोनों आइसोमर्स में वो डिफरेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईओपीएससी में आईओपीएससी रूल के अनुसार. नाउ विल डिस्कस पोजीशन आइसोमेरिज्म और उसके बाद मैं चेन और पोजीशंस दोनों को मिला के क्वेश्चंस कर. Position isomerism. Position isomerism नाम से ही क्लियर है कि इस isomerism में जो मल्टीपुल बॉन्ड होगा
या जो फंक्शनल ग्रुप होगा उनका पोजीशन डिफरेंट होगा। इन पोजीशन आइसोमेरिज्म आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो पोजीशन आइसोमर्स दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोजीशन आइसोमर्स तभी हो सकता है जब जनरल फॉर्मूला समान हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम हो सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू आईओपीएसी बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिकॉज द मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड्स आइसोमर्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड। राइट डाउन ऑन योर नोट्स बुक what is the basic difference between the chain isomerism and position isomerism? In chain isomerism, isomers having different length of carbon chain, but in position isomerism, isomers having same length of carbon chain, it will be parent chain. It means we can say that chain isomers cannot be position isomers.
यदि दो आइसोमर्स के बीच चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है तो वह पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि दो चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा रिलेशन हो सकता है, लेकिन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यदि ये चेन आइसोमर्स हैं तो पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा, और यदि पोजीशन आइसोमर्स है तो चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता। नाउ एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, C4H8 ब्यूटेन। We'll take several examples in chain and position isomerism. We'll discuss C4H8. This is one butene. Because double bond on terminal position. Two butene, one butene and two butene are position isomers. They show position isomerism due to the changing in position of multiple bond. C4H6 we consider. This is alkyne. CH3. CH2, C triple bond CH. CH3, C triple bond CCH3. One butyne. Two butyne. Both are examples of position isomerism. Now we can take example of benzoate, disubstituted benzene, C6H4. Cl2 benzoid structure. (1,2-dichlorobenzene) या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, and para dichlorobenzene.
all are position isomers. In first compound, chlorine presents on first and second position, in this first and third, and in this first and fourth. So they are position isomers of each other. अब हम लोग क्वेश्चन चेन और पोजीशंस दोनों टॉपिक को मिक्स करके मैं एग्जांपल दूंगा और उससे डिस्कस करते चलूंगा कि वो क्या है. फर्स्ट,